नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा, जी हाँ, अनुपमा ने मुंह तोड़ जवाब दिया है वनराज को। औंधे मुंह गिरा है वनराज, क्यों आई माया, फिर से माया ट्रैक। ये सब शब्द गूंज रहे हैं मेरे कानों में, क्योंकि यही कुछ आया है आपके ऑडियोज में। आपके रिएक्शन भरे हुए हैं इन सब शब्दों के साथ। तो आज की कड़ी के बाद जो इफेक्ट हुआ है उसी को लेके आई हूँ मैं पब्लिक वॉइस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आपके ऑडियोस का, आपके रिएक्शंस का सिलसिला। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले आपको सुनाती हूँ रेखा जी का ऑडियो। गुड मॉर्निंग अंजू मैडम, आज का ये देखा वनराज इस तरह से हरकत कर सकता है, सोचा भी नहीं था। वाकई में बहुत ही गिर गया, पर ऐसा भी होता है। पर आज का रिकैप जब देखा कि माया फिर से आ गई है, अनुज ने उसको देखा, मतलब अब अनुज माया के साथ ही रहेगा। वही सब दिखा के, वही रोना धोना, वही सब ये करके नहीं देखना है माया को, तो बिल्कुल ही नहीं देखना। एक औरत इस तरह से इतनी घटिया हो सकती है ये कभी सोचा नहीं था। इतना मतलब जिस औरत ने अपने घर में जगह दी, एक माँ का दर्द समझा, उसी औरत ने उसी औरत का घर तोड़ दिया। नहीं देखना है माया को, प्लीज़ आप मेकर से बोलिए कि ये फालतू पर ना दिखाए, बंद करे ये सब देखना। माया को तो बिल्कुल ही नहीं देखना है, और वनराज की जो बातें हैं वो चुभ गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल चुभने वाली बातें थी, क्योंकि वनराज बहुत ही नेगेटिव दिख रहा है अभी इस वक्त, और भी ज्यादा, पहले भी था मगर अब और भी ज्यादा दिख रहा है, जिसमें इमोशन नाम की चीज है ही नहीं, जो सिर्फ सिचुएशंस का फायदा उठाना जानता है। तो खैर, आज के एपिसोड के रेखा जी के ये रिएक्शन थे। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके ऑडियो के लिए। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, मैं कुमुदिनी त्रिपाठी। आज का एपिसोड देखा, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म किया जाए। मौके का फ़ायदा उठाना कोई वनराज से सीखे। कितना मक्कार इंसान है, ऐसे मौके पर भी अपना भला सोच रहा है। और अनुपमा अनुज का कनेक्शन देखिए, जब वनराज हाथ आगे करता है अनुपमा के आगे, तब अनुज को बेचैनी होती है। अनुपमा ने वनराज को मुंह तोड़ जवाब दिया जब वनराज कह रहा था कि मेरे घर चलो, मालकिन बनकर रहना। तब अनुपमा ने कहा नहीं जाऊंगी, और अनुपमा के ऐसा कहते ही अनुज को कुछ राहत जरूर महसूस हुई। ये होता है दिल का कनेक्शन। बहुत अच्छा फैसला सुनाया अनुपमा ने वनराज को। पति का दिया दुख भी कीमती बताया। बहुत अच्छा कहा अनुपमा ने कि अनुज जैसे भी हैं मेरे हैं। इतने दुख में भी अनुपमा अनुज के दिल टूटने का ध्यान रखे है। कितनी चिढ़न है वनराज के अंदर अनुज को लेकर, अब निकल रही है। बहुत बहुत अच्छा जवाब अनुपमा का वनराज को, हैट्स ऑफ अनुपमा। बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलता है वनराज। अनुपमा का विश्वास देखिए कि अनुज मिलेंगे जरूर। और उधर अधिक बरखा को समझ ही नहीं पा रहा है कि बरखा का प्लान क्या है। अंकुश तब भी अच्छा है बरखा को देखते हुए। बरखा चाहती नहीं है कि अनुज अनुपमा वापस आए। और उधर अनुपमा का दृढ़ विश्वास देखिए कि जरूर मिलेंगे, ये होता है प्यार। अब अनुज को भी अनुपमा की बहुत याद आ रही है। चलो अब उम्मीद की किरण आई है। वो खुद आईना देख रहा है कि अनुपमा सही थी, मैं गलत हूँ। उस पर मंथन चला। अनुज ने कबूल किया कि अनुपमा से नाराज हूँ। अनुपमा सुकून, ताकत, जुनून सब है, ये आत्मा ने समझाया। पर अनुज अपनी जिद के आगे कुछ भी समझ ही नहीं रहे हैं। प्री कैप में देखा अनुपमा तो माँ के पास चली गई, पर अनुज माया की गाड़ी के आगे आ गया। ये बहुत ख़राब बात हुई। अब भगवान जाने आगे क्या होगा, माया क्या नया गेम प्लान करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। पर मेकर्स एक बात जरूर ध्यान रखें कि माया और अनुज की अब कोई भी, मतलब कोई भी स्टोरी ना दिखाएं प्लीज़। लेकिन ये देखिए कि अनुज जब गाड़ी के आगे आते हैं
तब भी अनुपमा को बुरा लगता है। अब देखिए आगे मेकर्स क्या दिखाते हैं, पर इतना जरूर है कि माया ट्रैक से फुर्सत करें अब प्लीज। धन्यवाद। मौके का फायदा उठाना कोई वनराज से सीखे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वो तो कब से इसी मौके की ताक में था। उसने जब से ये देखा कि अनुपमा के बिना घर उल्टा ही हो गया है, कोई भी संबंध संभल नहीं रहा है, तभी से वनराज को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अनुपमा को वापस लेके आए, क्योंकि काव्या के साथ जो उसका प्यार था वो तो अब है ही नहीं, खत्म हो गया, हवा में उड़ गया। इसीलिए सही कहा आपने कि मौके का फायदा उठा रहा है वनराज। तो त्रिपाठी जी, थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हाय अंजू जी, मेरा नाम अलका है, मैं बेंगलोर की रहने वाली हूँ और मैं कई सालों से अनुपमा देख रही हूँ। मैं बहुत सारे सीन अभी जो चल रहे हैं ट्रैक मेकर्स एक्चुअली पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं इन आम जनता को। मुझे ये प्रोग्राम इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि ये रियलिटी बेस्ड प्रोग्राम है, तो रियलिटी में मानते हैं कि एक बार अनुपमा को वनराज जैसा हस्बैंड मिला जिसकी वजह से उसने इतने सालों तक भुगता। प्यार नहीं था लेकिन तो भी उसने निभाया, और वनराज तो बहुत ही ख़राब इंसान था, तो उसको छोड़ने के बाद जब अनुज आया उसकी लाइफ में तो इतना अच्छा दिखाया गया उसको, इतना अच्छा। 26 सालों से उससे वेट कर रहा था उसके प्यार का, 25 सालों से उसने शादी की, जब शादी की तो उसको पता था कि इसके 2 बच्चे हैं, इसके 3 बच्चे हैं, इसकी मतलब ये बैगेज है इसका। अपने बच्चों को तो कोई नहीं छोड़ सकता है, अपने सास ससुर को कोई भूल सकता है, और जो ऐसा पति है उसके बारे में तो कोई क्या ही याद रखे, लेकिन अपने बच्चों को कोई नहीं भूल सकता है। पूत कपूत हो सके है पर माता को माता नहीं होती है, ये तो कई सालों से लिखा आया है। लेकिन लेकिन अनुज जब एक्सेप्ट किया तो उसे पता था, अनुपमा से शादी किया था, उसे पता था कि इतने सारे बच्चे होने हैं तो उसकी लाइफ में अपने बच्चों को तो ध्यान देना ही पड़ेगा। एक्चुअली मेकर्स शादी करवाए ठीक है, आगे बढ़ाए वो भी बहुत अच्छा दिखाया, मीन्स हम आम जनता को दिखाया कि आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, सब कुछ आगे करना चाहिए। पर अनुज का जो कैरेक्टर अब ये लोग मीन्स डिमीन कर रहे हैं हमारे सामने कि आदमी ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है अंजू जी। एक्चुअली देखिए, हम 20% आदमी बहुत अच्छे होते हैं। एक्चुअली वो अपने वाइफ को बहुत प्यार करते हैं, तो वैसा 20% आदमियों में अनुज को दिखाया गया था शुरुआत से अब तक। लेकिन शादी जैसे कि कोई बच्चे होते हैं ना, जैसे कि वो उनको खिलौना नहीं मिलता है तो खिलौने के लिए रोते हैं, झगड़ते हैं जब तक वो खिलौना नहीं मिलता है, और जैसे ही वो खिलौना मिल जाता है वो उसको साइड में फेंक के दूसरे खिलौने से खेलने लगते हैं। तो अनुज भी उन्हीं आदमियों उन्हीं बच्चों के तरह है, ऐसे दिखाया जा रहा है कि 25 सालों से वो उसको प्यार करता रहा, उसका वेट करता रहा, और लास्ट में उसी से शादी की। लेकिन जैसे ही वो मिल गई, अब अनुपमा नहीं चाहिए, अब उसको और एक बेटी चाहिए, तो 1 साल के अंदर उसने अपनी शादी को एंजॉय नहीं किया, बेटी को लेके आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको अपनी फैमिली को कंप्लीट करना था, बेटी को लेके आए, तो भी वो अडॉप्टेड है, फोस्टर है। हाँ, लेकिन फोस्टर बेटी को जब वो लेके आया है तो उसकी अगर ओरिजिनल माँ आ जाती है तो ये बच्चे के ऊपर डिसीजन है कि वो अपनी मम्मी के साथ जाए या अनुज या अनुपमा के साथ रहे। तो उसने डिसीजन दे दिया कि मेरे को माया के साथ जाना है, तो इसमें अनुज क्यों इतना वो कर रहा है? अनुज की भी कोई गलती नहीं है ना, तो अनुपमा की गलती है। तो इतना तो अपनी फैमिली अपनी उस बेटी के लिए जो उसकी खुद की नहीं है,
बस जो अडॉप्शन वाला प्यार है, मीन्स दिल वाला प्यार मान सकते हैं कि दिल वाला प्यार है, उसके लिए वो अपने 26 साल के प्यार को भूल जा रहा है। तो वो 1 साल के, अगर वो कोई और बच्चा आ जाता है, मान लिया कोई और बच्चा आ जाए, तो इस 1 साल के प्यार के लिए भी वो छोड़ ही देगा, मुझे लगता है। ये सही नहीं दिखाया गया है। और शुरुआत से देखा जाए तो इस स्टोरी में क्या दिखाया गया था कि उसने अपने मम्मी डैडी का एक्सीडेंट कर दिया था, तो इसमें तो वही कल्प्रिट था, उसकी गलती की वजह से गलती एक्सीडेंट हुआ। तब तो मालिक मालविका तब तो अनुपमा ने उसको कभी दोष नहीं दिया, उसका साथ दिया। मालविका का ऐसे शादी करवाया, उसका उसके प्यार को नीचा दिखा के उसके सामने, तो वो भी कैसा आदमी निकला उसको मारने वाला। उसकी वजह से उसने कितना सहा, अभी तक वो डिप्रेशन में थी। अनुपमा ने डिप्रेशन से भी निकाला उसको, तभी भी अनुपमा अनुज के साथ थी। अनुज एक्चुअल में शुरुआत से ही हर बात गलत था, लेकिन तो भी अनुपमा उसके साथ थी क्योंकि अनुपमा उससे प्यार करती थी। मुझे तो नहीं लगता है कि अनुज उससे कभी प्यार करता था, उसको सिर्फ अनुपमा को पाना था। अनुपमा जैसे ही मिल गई वैसे उसकी इम्पोर्टेंस चली गई उसकी लाइफ से। और देखा जाए तो इस पूरे सीरियल में कहीं ना कहीं अनुज की ही गलती है, क्योंकि उसने तो एज एन कोई 26 साल की लड़की से शादी नहीं की है, जिसकी एज हो गई है उससे शादी की है। तो वो जब उसने एक्सेप्ट किया था अनुपमा ने छोटी को, तो उसने बोला था कि बहुत मुश्किलें होंगी, मैं इस एज में तो कर नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं बहुत कोशिश करूंगी। उसने शुरुआत में ही बोला था कि मैं कोशिश करूंगी, तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि एक 26 साल की औरत की तरह वो छोटी का ध्यान रखे। और कितनी बार उसके स्कूल पेरेंट्स की मीटिंग में जब लोग आया करते थे, तो वो अपने आप को देखती थी कि मैं इन लोगों के सामने मैं कैसे रहूं। तो भी अनुज को ये एहसास नहीं हुआ कि हाँ, मेरी मीन्स मेरी जो वाइफ है उसके इतने बच्चे हैं, तो भी मैं छोटी का ध्यान दे रही है। और माया के आने के बाद, मानती हूँ ये अनुपमा की गलती है एक्चुअली, कि उसने माया को लेके आई, मीन्स माया को रहने दी। सही बात है, किसी दूसरे इंसान को अपने घर में नहीं रहने देना चाहिए, लेकिन एज इन अपनी छोटी की ही खुशी के लिए उसने रखने दिया ना। छोटी मीन्स अपनी बेटी के बारे में सोचा, उसको ये नहीं दिखता है कि मेरी छोटी के बारे में उसने सोचा, मतलब मेरी बेटी के बारे में सोचा। लेकिन थोड़ी तो गलती है अनुपमा की कि दूसरे इंसान को अपने घर पे रहने दिया। कोई भी जो मीन्स रियल लाइफ में कोई भी बाहर वाली औरत को नहीं रहने देता है अपने घर में, और जिस बैकग्राउंड से वो है, कोई भी ऐसी बैकग्राउंड की औरत के ऊपर विश्वास नहीं करता है। और अनुपमा ने पूरा विश्वास किया, पूरा मतलब आँख बंद करके विश्वास किया। कोई लोग लो, कोई विश्वास नहीं करते हैं ऐसी औरतों पे जिस बैकग्राउंड से वो थी, क्योंकि वो लोग घर तोड़ती हैं, सब लोग ऐसा मानते हैं। और अनुपमा ने पता नहीं कैसे विश्वास किया, क्योंकि वो बहुत अच्छी है, इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए जिंदगी में। लेकिन एक्चुअली गलती है नहीं उसकी, अनुपमा की, मानती हूँ, लेकिन थोड़ी सी है, क्योंकि उसने मीन्स नासमझी में अपनी छोटी के लिए अपने आप के जो फीलिंग्स है उसको दबा दिया। हर बार अपनी फीलिंग्स को दबाना ठीक नहीं है ना, यहाँ पे उसने दबाया। अब अनुज की क्या गलती है एक्चुअल में? अनुज ने पूरा माया के ऊपर विश्वास किया, और माया ने ऐसा ऐसा किया उसके साथ, उस रात को उसके गले लगी और जाके काव्या को बता दिया, और अनुज को बोला तुम मत बताओ। तो भी अनुज को समझ में नहीं आया कि ये गेम खेल रही है, मीन्स हम लोगों का रिश्ता तोड़ना चाहती है। तो भी माया के ऊपर उसको ट्रस्ट हो गया, और उसने उस पार्टी की रात को अनुपमा रोक रही थी कि नहीं नहीं मत जाने दो छोटी को, मत जाने दो, रहने दो। तो भी वो लेके गया, नहीं नहीं जाने दो, ये वहां पे सो जाएगी। तो वहां पे उसको माया के हाथ में उसने छोड़ दिया, माया के हाथ में। सोचो जरा, माया के ऊपर उसने कैसे विश्वास कर दिया। एक्चुअली गलती अनुज की, उसको लेके आना वहां से,
घर पे छोड़ना, वो भी माया के हाथ में छोड़ना, यही बहुत बड़ी गलती है। उसको माया को टाइम मिल गया छोटी के साथ, छोटी को मैनिपुलेट करने के लिए। गलती तो अनुज की ही है, माया को छोटी को लेके जाने के लिए, समय देने के लिए, छोटी का माइंड मेकअप बदल देने के लिए, मेकअप कर देने के लिए। इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि अब ये सीरियल को मीन्स और मेकर्स को दिखाना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि सीरियल को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये रियलिटी बेस्ड प्रोग्राम था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एकता के सीरियल के जैसा होते जा रहा है, कोई विलन बन रहा है, कोई ये बन रहा है। मीन्स ये तो रियलिटी बेस्ड था ना, अब रियलिटी नहीं लग रही है मुझे ये। क्योंकि कोई भी पति अपने पत्नी को जिसे इतना प्यार करता रहे वो नहीं छोड़ता है। ठीक है मंजू जी, आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अलका जी आपके ऑडियो के लिए। आपके ऑडियो से एक चीज तो पक्का पता चली है कि आप बहुत ध्यान से दोनों के करेक्टर्स को ऑब्जर्व कर रही हैं, इसलिए कभी इसकी गलती निकल रही है, कभी उसकी गलती निकल रही है। जैसे ही आप तारीफ करने जाती हैं आपको लगता है नहीं इसने गलती की है, तो आप भी सच का साथ दे रही हैं। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए, आगे भी इंतजार रहेगा। धन्यवाद। अगला ऑडियो सुन। नमस्ते अंजू जी, आज का एपिसोड देख के भी बहुत बोरिंग ही लग रहा है, और वापस से फिर माया लेके आए हैं ये मेकर्स ने। ये बहुत फिर वापस से गलत दिखा रहे हैं यार। अनुज का ठीक है, उसको रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन अभी कम से कम उन्होंने ये तो देना चाहिए कि अनुपमा अनुज एक साथ रहे। लेकिन फिर से माया ट्रैक और फिर वापस से वही, मतलब कितना आप व्यूवर्स के इमोशंस के साथ खेलेंगे यार। कुछ तो समझो, कुछ तो, कितना हर कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा है वो माया ट्रैक। पहले से ही इतना 15 दिन से हर चीज़ रो रो के दिखाना, इरिटेट हो रहा है वो तो। ऐसा ऐसा गुस्सा आ रहा है कि क्या बताएं आपको। और वापस से फिर कल माया आगे दिखाया उन्होंने माया का ट्रैक, फिर वापस वो ले जाएगी, फिर वापस से बकवास यार। इससे तो बेहतर है इन लोगों ने अनुपमा सीरियल ही बंद कर देना चाहिए। इट्स बेटर, ऐसे ही लग रहा है। अभी वो देख के इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है ना, क्या बताएं आपको। आज तो आपका भी मूड गया होगा कि तो फिर वापस से माया ट्रैक। हर कोई व्यूअर अभी आपको बताएगा कि ये बहुत ही बकवास है, नहीं लाना चाहिए अब। या तो माया आने के बाद 2-3 एपिसोड में उन्होंने माया को एक्सपोज करना चाहिए, और वापस से कुछ तो भी, फिर वापस से उसकी याददाश्त चली जाए, ये जाए। ये सारे रूमर्स देख देख के ना परेशान हो गए हम लोग, एकदम से परेशान। एक तो ना ये एपिसोड देखने के बाद दिन खराब हो जा रहा है सही में। हर कोई आपको भी वही बता रहा है, हर किसी का मूड ऑफ हो रहा है, हर व्यूवर्स का मूड ऑफ हो रहा है। लेकिन मेकर्स की अक्ल नहीं आ रही है मेकर्स को कि क्या दिखाएं और क्या ना दिखाएं। बस या तो अभी TRP अनुपमा का 0 हो जाए, बस अभी तो यही बोल सकते हैं, इतना गुस्सा आ रहा है। साइली जी बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में हैं। उनका कहना है कि दिन खराब हो रहा है ऐसे नेगेटिव एपिसोड देख के। कहना भी सही है, हर कोई एक पॉजिटिव नोट पे ही अपने आप को एंटरटेन करना चाहता है, मगर यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है और काफी लंबे समय से हो रहा है, तो आपकी नाराजगी जायज है। मगर उम्मीद रखिए आगे अच्छा भी देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच साइली जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, मैं वर्षा। आज अनुपमा ने तो वनराज को आईना दिखाई दिया, उसने बताई दिया कि कुछ भी हो वो अनुज की ही है, और अनुज जो भी अनुज ने जो किया वो उसके दर्द में किया, उसके तड़प में किया, ये इससे तो साबित हो गया। पर आज जब माया को दिखा रहे हैं तो अब उससे मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है कि पहले तो डर लगा कि यार ये फिर माया दिखा रहे हैं तो अब क्या होगा, पर जब सोचा तो नहीं, शायद मेकर ये दिखाना चाहते हैं बेहोशी की ही हालत में सही, पर अनुज भी बोलेगा कि सिर्फ और सिर्फ अनुपमा ही है उसके लिए सब कुछ, तो माया को भी समझ में आ ही जाएगा। और उसके जो एक्सप्रेशन थे, अनुज गिर गया तो जब ऐसा क्या बोलते हैं उसके है ना, उसके लिए बुरा लग रहा था, उसके चेहरे से लग रहा था कि वो थोड़ी पर अच्छा नहीं लग रहा उसको अनुज को इस हालत में देख के, तो शायद वो भी बदल जाएगी और
आई होप सो कि छोटी अनु को अनुपमा अनुज को दे दे, ऐसा लग रहा है। पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं अनु मेकर, तो मालूम नहीं, पर मुझे तो लग रहा है, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। और थैंक यू अंजू जी, आप बहुत बहुत अच्छा बताते हैं, उसके लिए अच्छा लगता है आपसे, आपका सुन के थोड़ा पॉजिटिविटी एनर्जी आती है, और बहुत सही तरीके से बताते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपमा ने वनराज को आईना दिखा दिया। वैसे तो बहुत बार दिखाया है, मगर इस बार तो वनराज को पक्का था कि अनुपमा जो है अनुज की गलती निकालेगी, मगर अनुपमा ने उल्टा ही रिएक्शन दिया। उसने कहा, दुख हो या सुख है वो मेरे और मेरे पति के हैं, आप कौन होते हैं थर्ड पार्टी बीच में बोलने वाले। तो सही कहा आपने, मगर माया के ट्रैक से आप भी नाखुश हैं, और आपको भी अच्छा नहीं लगा कि माया फिर से आ गई, नहीं चाहिए माया, ऐसी ही आवाजें आ रही हैं। तो थैंक यू सो मच आपका, आपके ऑडियो के लिए। हेलो अंजू मैम, मैं लता, आपकी बातें सच हो रही हैं, अनुपमा अनुज मिलेंगे पर देर लगेगी। वनराज तो औंधे मुंह गिर पड़ा अनुपमा की बातें सुनकर, और अनु ने बड़ा अच्छा काम किया, वो भी अपनी माँ के घर चली गई। अनुज और उसकी अंतरात्मा की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो माँ और एक पिता के प्यार को कंपेयर कर रहा हो। ये अचानक नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके ढेर सी बातें दिल में घर करती गईं और अंत में ब्लास्ट हो गया। छोटी अनु का जाना अनुज को हिला गया, क्योंकि उसने भी पहले बहुत कुछ खोया है, अपने माँ बाप को, अपनी बहन मुक्कू के साथ जो भी हुआ अनु को पहले खोया था। हाँ ये अलग बात है कि वो मिल गई 26 सालों बाद, ये खोने का डर था वो अनुज पर हावी हो गया और वो टूट गया। सभी अनुपमा तो नहीं होते ना, अनुपमा तो जैसी कोई हो भी नहीं सकती। इतनी तकलीफ के बाद भी जो अपने दिमाग और दिल में कोई अंतर ना कर सके, वो सिर्फ अनुपमा ही कर सकती है। आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। कल के एपिसोड में बाबूजी की बातें बड़ी अच्छी लगी। आने वाले एपिसोड में जीके काका आने वाले हैं शायद, इसका भी बड़ा अच्छा असर होगा अनुज पर, देखते हैं आगे। सोना आग में ही तपकर तो खरा होता है, ये दोनों भी निखर कर आएंगे सामने, ऐसा हमारा विश्वास है। धन्यवाद, नमस्कार। ये अच्छी खबर सुनाई है लता जी ने कि आने वाली एपिसोड्स में जीके आने वाले हैं, तो जीके आते हैं तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो अनुज को बहुत समझते हैं और समझाते भी हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा लता जी आपकी ये बात सुन के। बाकी आपको भी काफी चीजों के बारे में, इस शो के बारे में काफी सारी जानकारी है, और आप बहुत अच्छे से इस शो को देखती हैं, आपके ऑडियोज का भी इंतजार रहता है। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार अंजू मैम, कहने को तो ये सीरियल है और इसका बहुत सारा मोरल वैल्यू शुरू में दिखाया गया है, बट अब जो भी दिखा रहा है वो बिल्कुल एक नाटक, और जो भी दिल करता है वो राजन साहिब जी उसमें अपना अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं। बट ये चीज़ें जो दर्शक जिस उम्मीद से इस सीरियल को देखना शुरू किए थे वो उन्हें नहीं मिल रहा है, इसीलिए अब किसी को भी ये सीरियल पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि प्यार जो भी होना चाहिए उसमें साथ में संघर्ष जरूरी है। ये नहीं है कि कोई कठिन समय आए तो दोनों अपना अपना अलग रास्ता बना ले, पर ये सीरियल तो कुछ इसी तरह का हो रहा है। अभी अब माया के पास जाना क्या साबित कर रहा है ये सीरियल, कुछ समझ में नहीं आता है। देखने वाले बेवकूफ़ बन रहे हैं और कुछ नहीं, इतना कहने के बाद आपने प्लेटफार्म दिया है, बार बार व्यूवर्स अपनी आवाज उठा रहे हैं, इसके बावजूद भी मेकर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 15-20 दिन से वही रोना धोना नौटंकी चला रखा है उन्होंने, क्या मतलब है इसका। प्रतिमा जी थैंक यू सो मच, आपने बहुत सही बात कही है कि दुख में ही पता चलता है कि जब दुख हो तभी साथ में होना जरूरी होता है, सुख में तो सब लोग आ ही जाते हैं। तो वही अभी बड़ी दुख की घड़ी है अनुज और अनुपमा की जिंदगी में, और उससे बड़ा दुख ये है कि दोनों
अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, मगर जल्दी ही एक भी होंगे, ऐसा हम लोग बहुत देर से कह रहे हैं, मगर ये होगा सच, क्योंकि यही होगा, क्योंकि यही है डेस्टिनी और यही है इस धारावाहिक में पॉजिटिव मैसेज। तो निश्चिंत रहिए और देखिए अनुपमा सीरियल, क्योंकि आगे अच्छा देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन हो, जिन्होंने अभी तक ऑडियोज या वीडियोज नहीं भेजे हैं, अगर मन हो तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। नंबर है 9833155523। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे कोई भी कॉल या टेक्स्ट मैसेज अटेंड नहीं होते हैं। कृपया सिर्फ ऑडियो या वीडियो ही भेजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.